Hi guys, I am Ashok Kumar. I will teach you today English supplementary footprints without feet. I will start first chapter, A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery is written by James Herriot. It is about a small dog and its extreme love with its rich mistress. The name of the dog is Tricky. A small dog is pampered by his rich mistress. Tricky जो एक छोटा सा कुत्ता है उसको अमीर मालकिन जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती है. She overfeeds him and he falls seriously ill. वह जो है उसको ओवर फीडिंग करा देती है, ज़्यादा खिला देती है, जिसके कारण वो कुत्ता गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. अब क्वेश्चन है कि डज द वेटरिनरी सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वेटरिनरी सर्जन जो है उसका ऑपरेशन करता है, या डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो पाता है. तो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर. व्हाई इज मिस्टर्स पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम. इज सी वाइज इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज The I in this story. तो अब हम लोग देखेंगे ये कहानी शुरू होता है. नरेटर जेम्स हैरियट. यहाँ पे जो कहानी शुरू होता है, I was really worried about Tricky this time. जेम्स हैरियट ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस. जेम्स हैरियट बता रहा है कि जब उसने कुत्ते को मालकिन के साथ गली में देखा, उसने अपनी गाड़ी रोक दी, उसे बहुत सदमा हुआ उसका अपियरेंस को देख करके. He had become hugely fat. वो बहुत मोटा हो चुका था. Like a bloated sausage with a leg at each corner. एक फूले हुए कबाब की तरह उसकी चार टांगें दिखाई दे रही थी. His eyes bloodshot and rheumy. उसका आईज जो था लाल रक्त के जैसा हो गया था और आँख से पानी गिर रहा था, पानी बह रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड. सीधे सामने देख रहा था. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ. लॉल्ड का मतलब होता है लटक जाना. उसका टंग जो था वो जॉ से जबड़े से बाहर लटक रही थी. मिसेज पम्फ्रे हैसेंट टू एक्सप्लेन. पम्फ्रे जो है उस हेसन मतलब शीघ्रता से बताई. ही वॉज सो लिस्टलेस. वो बताती है कि हैरियट कुत्ता जो है बहुत ही वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है. मिस्टर हैरियट ही सेम्ड टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है इसके पास एनर्जी है ही नहीं. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन. तब वो बताता है कि ये लगता है कि मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज. इसलिए मैंने इसको कुछ अतिरिक्त भी खिलाया. बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. मील्स के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा खिलाया गया. सम माल्ट, कुछ जौ, एंड कॉड लीवर ऑयल. कॉड मछली के जिगर का तेल, इसका मतलब होता है. एंड अ
अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और इसको मैंने एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दिया एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, और इससे अधिक तो कुछ नहीं दिया. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तब हैरियट पूछता है कि क्या आपने मिठाई, जिसके बारे में मैंने आपको कट डाउन के लिए कहा था, मना किया था, क्या आपने ऐसा किया? ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने तो ऐसा किया, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था. आई हैड टू रिलेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, जैसा कि वो करती है, उसके लिए उसको बहुत पश्चाताप था. ही डज लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक्स से बहुत प्यार था. एंड चॉकलेट, सो चॉकलेट भी बहुत पसंद करता था. आई कॉन्ट बेयर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसको मना नहीं कर सकती थी, मैं रिफ्यूज नहीं कर सकती थी. आई लुक डाउन